जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि दिसंबर मंथ में भूल जाओ कि आप लोगों को फ्री फायर इंडिया देखने मिलेगा, और भाई मेरी बात सच ही हुई। दिसंबर खत्म होने वाला है और हमें अभी तक कोई भी न्यूज देखने नहीं मिली है फ्री फायर इंडिया की। बट क्या आपको बताया, OB43 जो अपडेट है ना वो 24 जनवरी को आने वाला है, और बहुत सारे रूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि 26 जनवरी को हम लोगों को फ्री फायर इंडिया देखने मिल जाएगा। ये बात थोड़ा सा सेंस भी बनाता है, 26 जनवरी का हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये एक रूमर है या फिर सच में एक अच्छी अंदर से लीक निकल के आई है। आज की इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को एंड देखोगे आप लोग तो आपके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड। और आप लोग देख रहे होगे भी चैनल पे मैं पूरा रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ इश्यू है गाइस, तो कुछ दिन और ऐसा होगा फिर मैं फिर से पहले जैसे रेगुलर हो जाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 5, ये फैक्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आप सभी को पता है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर टोटल गेमिंग, अगर आपको नहीं पता तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये अपना फेस रिवील करने वाले हैं। इन्होंने अपने इंस्टा पे भी किया है और ये इन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी कर दिया है, और ये कल या फिर परसों अपना टीजर भी लॉन्च कर देंगे अपना फेस रिवील का। अब सोचने वाली बात ये, काफी सारे लोग इस चीज को लेके मतलब दिमाग में थोड़ा सा ना भारीपन लेके बैठे हैं कि भाई ये क्या प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ या फिर इस बार इनका सच में फेस रिवील होने वाला है। इनके मुताबिक तो भाई 2023 खत्म होने से पहले ये फेस रिवील कर देंगे, मतलब 31 दिसंबर से पहले अपना फेस रिवील कर देने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग के माइंड में, पर्सनली मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था, क्या ये बंदा अपने साथ फिर से प्रैंक करने वाला है। देखो यार, ये बंदा इतनी ज्यादा हाइप बना रहा है, टोटल गेमिंग इतनी हाइप बना रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि भाई टोटल गेमिंग इस बार यहाँ पे प्रैंक करने वाले हैं। आप कह सकते हो कि हाँ ये बंदा सच में भाई अपना फेस रिवील करने वाला है, क्योंकि मुंबई में ये लोग मिले थे, देसी गेमर मिले थे, आर्यन के बहुत सारे फ्रेंड्स वो सब मिले थे, ऑब्वियसली कोई शूट वगैरह कर रहे होंगे, अपने फेस रिवील को ये नेक्स्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हाँ भाई, अब प्रैंक तो लग नहीं रहा है कहीं से भी, बट अगर ये बंदा बाद में प्रैंक कर देता तो मेरे को उसका नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये बंदा प्रैंक कर रहा है अपने साथ। फैक्ट नंबर 4, गाइस ये फैक्ट बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये ओल्ड फ्री फायर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इट्स जय भाई ने हमें इंस्टाग्राम पे टैग करके बताया कि भाई OB42 अपडेट के बाद अपने फ्री फायर गेम के अंदर अगर हम स्मूथ ग्राफिक्स में भी कर लेते ना फिर भी हमें इमोट देखने मिलता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहले के टाइम पे स्टैंडर्ड, अल्ट्रा, इन सब में हम लोगों को इमोट्स वगैरह दिखते थे, मतलब अगर हमारे टीममेट्स को इमोट मारता था या फिर कोई एनिमी तो इमोट्स दिखते थे। लेकिन अब बात करें स्मूथ में, तो स्मूथ में कोई भी इमोट देखने नहीं मिलता था। तो इसी चीज को चेक करने के लिए मैं जाता हूँ गेम के अंदर, आपके सामने यहाँ पे मैंने स्मूथ किया, अब यहाँ पे आपके सामने मैं क्लासिक क्लैश कोड शुरू करता हूँ, और चलो देखते हैं भाई यहाँ पे इमोट सामने वाला बंदा मारता है तो हमें दिखता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने इमोट मारा और भाई ओई सच में दिख रहा है यार, देखो स्मूथ में सच में हम लोग को इमोट देखने मिल रहा है। तो इट्स जय भाई ने हमें बताया था इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम के हैंडल यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। अगर आप मुझे ऐसी बताओगे तो आप लोग को वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, अच्छा गाइस क्या आपने एक चीज नोटिस किया, अपने गेम के अंदर स्किल्स के भी स्किन आने लगे, मतलब वुकोंग की जो स्किल है उसकी भी एक स्किन आएगी, वैसे ही अपने गेम के अंदर आ चुका है तत्सुया की स्किल की स्किन आई है। तो ये थोड़ा वियर्ड है, मतलब ये गरीना फ्री फायर की नई स्ट्रेटेजी है कि वो जो स्किल की जो स्किन है ना, अच्छे सुनना, स्किल की स्किन वो हम लोग को परमानेंट नहीं मिल रही है, वो हम लोग कुछ दिनों के लिए मिल रही है। जैसे कि ये तत्सुया का हम लोग कुछ दिन के लिए मिला, और यहाँ पे ये मैंने वुकोंग का भी कुछ दिन के लिए लिया, तो ये परमानेंट नहीं मिल रहा है। इसको मैंने 100 डायमंड में खरीदा, वो भी कुछ दिन के लिए। तो ये गरीना फ्री फायर की ना नई स्ट्रेटेजी है अपने गेम के अंदर जो आइटम है उसकी हाइप बनाने के लिए। अब बाप रे बाप, इतना दिमाग गरीना का चलते देख के ना मैं खुद एक मिनट के लिए शॉक हो गया कि इतना दिमाग इनके पास है भी क्या। मतलब आप खुद सोचो ना यार, ये बहुत ज़रा यूनिक चीज़ है। इस चीज़ के बारे में मतलब भाई मेरे को लगता नहीं कि अपने फ्री फायर प्लेयर में से किसी ने भी पहले सोच के रखा होगा कि अपने गेम के अंदर कैरेक्टर्स की भी स्किन्स आएगी। अब देखो भाई, बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने गेम के अंदर, और अगर धीरे धीरे करके सभी कैरेक्टर्स की स्किन्स लाएंगे तो कितना पैसा छापेंगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं हैरान इस चीज को लेके हो चुका हूँ कि ये लोग सारा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए स्किन्स को दे रहे हैं। मतलब अभी मेरे पास देखो कुछ दिन के लिए ये मतलब तत्सुया की स्किन है, परमानेंट नहीं है क्योंकि मैं से परमानेंट ले भी नहीं पा रहा हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गरीना फ्री फायर के पास दिमाग तो है भाई, क्योंकि इतना दिमाग ये लोग लगा रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मैं सच में इतना हैरान कभी नहीं हुआ गरीना को लेके, लेकिन इस बार मैं सच में हैरान हो गया हूं। अब देखो भाई, इस स्किल की स्किन को लेके ये लोग बहुत ज्यादा पैसा छापने वाले, मतलब कह सकते हो अंधा पैसा छापेंगे। एक बार गेम की हाइप वापस आ गई ना,
तो जो गन स्किन्स होती है वो तो अलग होती है, लेकिन जो स्किल की स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। तो भाई इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये लोग गंदा पैसा छापने वाले भाई। आप लोगों ने पैसों को बचा के रखो, ये चिंदी चीजों में पैसे मत देना, क्योंकि भाई ये फाड़ के रख देगा। गाइस फाइनली पढ़ते हैं नंबर टू की तरफ, फैक्ट नंबर टू। अगर आप वेपन गोरी में जाओगे, वेपन गोरी में जाने के बाद बीआर का वेपन गोरी बैच सिलेक्ट करना, उसके बाद शॉर्ट गन्स में आना, और वहाँ पे शॉर्ट गन्स में नाम देखना, आपको M1887 देखने मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को M10 देखने मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको स्पास 12 देखने नहीं मिलेगा। लेकिन भाई अगर आप सीएस में जाओगे, सीएस में शॉर्ट गन में सिलेक्ट करना, वहाँ पे आप लोगों को स्पास 12 देखने मिल जाएगा। तो बीआर की वेपन गोरी से स्पास 12 को रिमूव क्यों किया? तो अब देखो मैं इसके बारे में ना 100% कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि पिछले कुछ मतलब 15-20 दिन से मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। जहां तक मुझे लगता है कि भाई स्पास 12 को बीआर से अभी के टाइम पे रिमूव कर दिया, तभी तो हम लोगों को वेपन गोरी में बीआर में स्पास 12 देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन सीएस में हमको देखने मिल रहा है। अब देखो शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं इस फैक्ट में गलत हो रहा हूँ तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके मुझे सही करो। फैक्ट नंबर वन, फाइनली हम बात करने वाले हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल के आ रही है कि फ्री फायर इंडिया हम लोगों को 26 जनवरी को देखने मिलने वाला है, लेकिन ये एक रूमर है या फिर अंदर से कोई लीक निकल के आई है, गरीना है कुछ प्लान्स इससे रिलेटेड या फिर नहीं, थोड़ा हम लोग इसके बारे में ब्रीफली बात करने की कोशिश करते हैं। तो 26 जनवरी को काफी सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या सच में 26 जनवरी को आने वाला है फ्री फायर इंडिया? तो मैं इसका साफ साफ आंसर कहूंगा भाई, मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी को आएगा। उसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले भाई 24 जनवरी को हम लोगों को OB43 अपडेट देखने मिलेगा, तो जो OB43 अपडेट आएगा उसके आइटम्स आएंगे, उसके गेम मतलब इवेंट्स आएंगे, तो उसका क्रेज बनाना छोड़ के क्या वे लोग फ्री फायर इंडिया को लाएंगे? तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे तो भाई ये पॉसिबल है, लेकिन ये लोग लाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि भाई गरेना वालों को खुद नहीं पता कि भाई ये लोग फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च करेंगे। अब एक अजम्पशन करते हैं कि चलो 26 जनवरी को आने वाला है, तो हम लोग को पता क्या चले कि 26 जनवरी को फ्री फायर इंडिया आने वाला है? इतना रूमर फैला है तो हमको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए ना। तो हिंट हमें कब मिलेगा पता है? हिंट हमें मिल सकता है 15 जनवरी के बाद से, ओबी अपडेट से जो 15 जनवरी का गैप होगा ना, उस बीच हम लोगों को अनाउंसमेंट देखने मिल सकता है। अगर उस टाइम अनाउंसमेंट मिल गया तो समझ जाओ कि भाई अपना गेम आने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं मिलता तो समझ लेना कि भाई इस बार भी हमारा कट गया। सितंबर से लेके भाई जनवरी के एंड तक भी फ्री फायर इंडिया का कोई भी न्यूज नहीं है, तो आखिर फ्री फायर इंडिया का न्यूज हमको देखने कब मिलेगा? तो वेल गाइस, इसका आंसर आप लोग मिलेगा आईपीएल के पहले, और मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में ही हम लोगों को फ्री फायर इंडिया देखने मिलेगा। और इस बारे में आपको कई सारे चीजें बताई है, लेकिन इस बार फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वरना चीजें बोरिंग हो जाती है थोड़ी सी। फरवरी में भी ऐसा नहीं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, मिड फरवरी में या फिर एंडिंग फरवरी में हमको देखने मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आईपीएल कब है, क्योंकि एज यू नो आईपीएल में थाला कैरेक्टर होने वाले हैं, मतलब कि हमारे एमएसधोनी सर जो कि थाला कैरेक्टर बन के आने वाले अपने गेम के अंदर, तो वो टाइम रहेगा गेम का बहुत ज्यादा हाइप में। और साला कुछ न्यूज़ेस अभी मैंने सुनी है कि भाई एमएसधोनी का लास्ट आईपीएल होने वाला है, तो अगर ये चीज गरीना वालों को पता होगी ना, तो आईपीएल के पहले ही पक्का फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करेंगे। देखो भाई सच बात कहूं तो अजम्पशन बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक मुझे एक ऐसे सोर्स मतलब कि इंडिया टुडे से ऑफिशियली पता नहीं चलेगा ना, तब तक मेरे को भी दिल से सुकून नहीं मिलेगा। और जब गेम आने वाला रहेगा ना, तो एक सोर्स ऐसे जो कि 101% ट्रस्टेड सोर्स है, उनसे हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई एक हफ्ते पहले कि गेम एक हफ्ते बाद आएगा, लेकिन अभी तक तो भाई वो लोग खुद सो रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। वेल आप लोग आज छोटे के साथ अकाउंट में जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।